कल मेरठ में पीएम मोदी ने एसपी बीएसपी और कांग्रेस को बताया स्कैम यानी घोटाला। बोले इस चुनाव में स्कैम से है बीजेपी का मुकाबला। पीएम मोदी के मुताबिक स्कैम में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ शामिल है अखिलेश और मायावती। स्कैम के खिलाफ है, स्कैम का मतलब है समाजवादी सी कांग्रेस ए अखिलेश एम मायावती। कानपुर देहात में सीएम अखिलेश ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोले स्कैम का मतलब सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। हमारे स्कैम में आपके नाम आते हैं, हमें देश को अमित शाह और मोदी जी प्रधानमंत्री से बचाना है। पंजाब गोवा में चुनाव खत्म होने पर यूपी के महासियासी रण पर टिकी नजर। मेरठ के बाद आज अलीगढ़ में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली। यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की 11 फरवरी से होगी शुरुआत। अलीगढ़ मेरठ बागपत समेत 15 जिले में प्रथम चरण में डाले जाएंगे वोट। यूपी के शाहजहांपुर में आज रैली करेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी के स्कैम वाले जुमले पर कर सकते हैं पलटवार। शाहजहांपुर के बाद राहुल गांधी सीएम अखिलेश के साथ एक बार फिर साझा करेंगे मंच। कानपुर में होगी राहुल और अखिलेश की साझा रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नोएडा में करेंगे रैली। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह समेत बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी में बीजेपी नेताओं की जुबान पर चढ़ा प्रियंका गांधी का नाम। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे प्रियंका के घर के सजावटी बर्तन से तुलना करते नजर आए। प्रियंका को झाड़पोछ के कांग्रेस निकालती है और फिर झाड़पोछ के दाखिल दफ्तर कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना की रैली के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। रैली को संबोधित करने पहुंचे थे अजीत सिंह। यूपी के दादरी इलाके में कुछ लोगों ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। अखलाक की हत्या में बंद युवकों की रिहाई को बनाया मुद्दा। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मी राणा के समर्थन में भी सीएम हरीश रावत ने किया प्रचार। काशीपुर में किया रोड शो। देहरादून में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की चुनावी सभा। विकास के लिए छोटे राज्यों की वकालत की। उद्धव ने शुरू किया बीएमसी चुनाव प्रचार। शिवसेना की जीत का ठोका दावा। उद्धव ठाकरे ने टिकट नहीं पाने वालों से पार्टी नहीं छोड़ने की अपील की। सीएम फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना से फ्रेंडली मैच बताया लेकिन दूसरे नेताओं ने इसे कौरव पांडव का युद्ध बताया। नागालैंड में निकाय चुनावों में 33% महिला आरक्षण के खिलाफ छिड़ा घमासान। हाईकोर्ट ने इसे दी है मंजूरी। तमिलनाडु में आज हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। सीएम पद से हो सकती है पनीरसेल्वम की छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक शशिकला जल्द संभाल सकती है मुख्यमंत्री का पदभार। चेन्नई में आज दोपहर 1:30 बजे AIADMK की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज ही पार्टी की महासचिव शशिकला को सीएम बनाने का फैसला संभव। जयललिता के निधन पर उनके करीबी पनीरसेल्वम बनाए गए थे सीएम जबकि शशिकला को महासचिव बनाकर सौंपी गई थी AIADMK के कमान। सूत्रों के मुताबिक AIADMK अब शशिकला को सीएम बनाकर खत्म करना चाहती है सत्ता के दो केंद्र का विवाद। जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत में शशिकला की संभावित ताजपोशी पर की टिप्पणी। सेना के तख्ता पलट से की तुलना। अब JNU के प्रोफेसर पर लगा देश विरोधी बयानबाजी का आरोप। प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर आरोप। जोधपुर में एक सेमिनार के दौरान सेना और राष्ट्रीयता पर की भद्दी टिप्पणी। JNU छात्र संघ अध्यक्ष ने प्रोफेसर निवेदिता पर लगे आरोपों को बताया साजिश। केंद्र सरकार और संघ पर साधा निशाना। 27 जनवरी को गाजियाबाद में ऑडी से हुए हादसे में नया मोड़। आरोपी ड्राइवर ने हादसे के दिन गुजरात में होने की बात कही। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा। खंभे से टकराई बेकाबू कार। 2 लोग हुए घायल। एम्स में भर्ती कराने की आई नौबत। दिल्ली के उस्मानपुर में एक दोस्त ने दोस्त की गला काटकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक एक मिस्ड कॉल के बाद पत्नी से बन गए थे अवैध रिश्ते। 2 आरोपी गिरफ्तार।